जनपद कानपुर नगर में बढ़ती लूट की घटनाओं को देखते हुए डीआईजी कानपुर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक दक्षिण दीपक भूकर के नेतृत्व में थाना बर्रा की पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें चेकिंग के दौरान थाना बर्रा पुलिस ने 9 शातिर चोरों को चोरी के मोबाइल विभिन्न कंपनियों के साथ ही 3 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना बर्रा पर मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पहला जरौली फेस 2 बर्रा निवासी मनीष कुमार उमराव उर्फ गुड्डू, दूसरा भलीगवा थाना बकेवर जनपद फतेहपुर निवासी अभिषेक उमराव, तीसरा भगौनापुर थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर निवासी उत्कर्ष पटेल, चौथा देवरी बुजुर्ग थाना जाफरगंज जिला फतेहपुर निवासी नितिन कुमार, पांचवा देवरी बुजुर्ग थाना जाफरगंज जिला फतेहपुर निवासी प्रांशु उर्फ बबलू कुमार, छठा कुंदेरामपुर थाना चांदपुर जिला फतेहपुर निवासी सनी पटेल, सातवां असदना थाना सजेती कानपुर नगर निवासी आदित्य पटेल उर्फ आदि, आठवां द्वारिकापुर थाना जहानाबाद जिला फतेहपुर निवासी विशाल वर्मा और नौवां पुकराया थाना बोगनीपुर जिला कानपुर देहात निवासी अर्पित सचान शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस पर पुलिस अधीक्षक दक्षिण दीपक भूकर ने बताया। ये जो बर्रा पुलिस टीम है, इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें जो बर्रा पुलिस टीम के द्वारा जो 9 मोबाइल लुटेरे थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 28 मोबाइल बरामद हुए हैं और 3 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है, जिससे ये डिफरेंट जगह पे लूट की घटनाएं करते थे। जो अभी तक इनसे पूछताछ की गई उसमें ये संज्ञान में आया कि कल्याणपुर, चकेरी, नौबस्ता और बर्रा इन थाना क्षेत्र में इन्होंने लूट की घटनाएं की हैं। बाकी जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने और लूट की घटनाएं की थी और वहाँ से भी हम लिंक करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जितने लोग इसमें पकड़े गए हैं सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई इंटर पास है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, और जो इन्होंने ये कारण बताया कि ये लूट की घटना इसलिए करते थे कि जो डेली के इनके खर्चे अफोर्ड करने के लिए इस तरह की ये घटनाएं करते थे, बाकी इन बाद में इन मोबाइल को बेचते थे। जो लोग पकड़े किसमें कोई कौन सा सरगना है? इसमें एक जो मेन अभियुक्त है मनीष कुमार है, जो कानपुर नगर का ही है, और इसके ऊपर पहले से भी चोरी के बर्रा में और फतेहपुर में मुकदमे हैं। तो यही जो था मेन हेड था इनका, जो इनको बुला के यहाँ पे किराए पे कमरा लेके रहते थे और बाइक से फिर डिफरेंट थाना क्षेत्र में ये लूट की घटनाएं करते थे। नहीं, ये अपने शौक पूरे करने के लिए, अपना खर्चा बाइक का, तेल का और अन्य खर्चे पूरे करने के लिए इस तरह की घटनाएं करते थे। इसमें एक आदित्य पटेल नाम का लड़का है, जिसके द्वारा ये बताया गया कि उसने 2017 में NDA का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था और उसके बाद फिर ये पढ़ाई करते करते ये घटनाएं भी लूट की कर रहे थे। इसमें जो 6 लोग हैं वो फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं और जो 3 अभियुक्त हैं वो कानपुर नगर जनपद के। कोई भी फरार चल रहा है क्या? अभी देखिए, जो पुलिस बर्रा टीम के द्वारा पकड़े गए हैं और जो बरामदगी हुई है वो 9 लोगों से ही हुई है। अगर इसमें कोई और लोग भी जो हैं इन्वॉल्व होंगे लूट की घटनाओं में तो उनके खिलाफ भी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये मोबाइल लूटने के बाद बेचते ही थे और कुछ शॉप ऑनर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनको ये बेचते थे, और ये भी संज्ञान में आया कि कुछ मोबाइल्स का ये IMEI भी चेंज करवाते थे, तो अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं, अगर हम वो चीज़ डेवलप कर रहे हैं और जिनको ये बेचते थे और जो IMEI चेंज करते थे, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कानपुर से कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।